इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाई बी लॉग ए प्लस बी अपॉन बी ऐसा। अब इसे देखा जाए, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स नंबर 1। हम ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे बाई लेबनीज रूल, बाई लाइबनिट्ज रूल। डी आई अपॉन डी ए इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेल अपॉन डेल ए लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक ना, अब ए के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो बी कांस्टेंट समझा जाएगा, एक्स कांस्टेंट समझा जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, चल कर इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी जिसका लॉग है वो नीचे आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ए के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2 ए एक्स स्क्वायर, 2 ए एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये रहा, इसके बाद टू पैरामीटर्स रखने वाले वो इंटीग्रल्स हम देखेंगे जिसमें आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। पहले एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसके साथ उसको लेंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज एक ऐसी सवाल एग्जाम्पल पढ़िए, कल वो एग्जाम्पल पढ़िए, आगे बढ़िए। इम्प्लाइज दैट टी आई अपॉन डी ए इक्वल्स टू, टू ए बाहर कर लो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक भाई, एकदम ठीक, इसकी नंबरिंग कर लीजिए 2 और हम पार्शियल में ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन, तो एक्स स्क्वायर ना लिख के क्या करें, इसको वाई लिख देना, सब एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, अगर यही एक्स होता ना तो बस बात फंस जाती, फंस क्या जाती, हैवी हो जाती। फिर हम लिखते कैपिटल ए अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस बी अपॉन फर्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस कैपिटल सी एक्स प्लस कैपिटल डी अपॉन सेकेंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन जब एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिए वाई से, 1 प्लस अल्फा वाई, ए स्क्वायर की जगह अल्फा लिख दिए, 1 प्लस बीटा वाई। अब ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर का केस है, कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस अनदर कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर, मैं इसको हम ब्रेक कर दिए। दिस इंप्लाइज दैट न्यूमरेटर वाई इज इक्वल टू इधर का न्यूमरेटर कैपिटल ए इंटू 1 प्लस बीटा वाई प्लस कैपिटल बी इंटू 1 प्लस अल्फा वाई। पुटिंग y इक्वल टू माइनस 1 बाई अल्फा, यही जो ब्रैकेट है ना पूरा, इसको जैसे 0 के बराबर कर लो, 1 प्लस अल्फा वाई बराबर 0, अल्फा वाई बराबर माइनस 1, वाई बराबर माइनस 1 अपॉन अल्फा वाई, वैसे यहां, और y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बीटा, क्रम से बारी बारी रेस्पेक्टिवली वी गेट, इसे y की जगह रखोगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल ए ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा बाई अल्फा,
और ये जीरो हो जाएगा कामा। इसे रखोगे तो माइनस वन अपॉन बीटा इक्वल्स टू, ये जीरो होगा, अब की बार ये बचेगा बी वन माइनस अल्फा बाई बीटा, कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू फट से आ जाएगी। इम्प्लाइज दैट अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन इक्वल टू कैपिटल ए इंटू अल्फा माइनस बीटा, इसमें हम बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वन इज इक्वल टू कैपिटल बी इंटू बीटा माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू, ए माइनस यहाँ कर दें वन अपान बीटा माइनस अल्फा, और कैपिटल बी इक्वल टू माइनस वन अपान बीटा माइनस अल्फा। अब इसमें रखिए देयर फॉर वाई अपान वन प्लस अल्फा वाई इंटू वन प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू वन अपान बीटा माइनस अल्फा, दोनों में है ना कॉमन ले लिए, तो इसमें वन बचा इसमें माइनस वन बचा, यहाँ पे वन मतलब वन अपान वन प्लस अल्फा वाई और माइनस वन अपान वन प्लस बीटा वाई, ये रहा। अब रिप्लेसमेंट कर दें हम, दिस इम्प्लाइज दैट, इधर ही लिख दें जगह कम पड़ रहा है, एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना, वन अपान वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको वहां रखा जाए, नाउ डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू टू ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो एक अंदाज हम लगा रहे हैं कि डी डी एक्स टेन इनवर्स ए एक्स बराबर क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर ए एक्स का ए, इतना चाहिए था, यानी यहाँ ए यहाँ बी की कमी है तो पूरी कर लो, इक्वल टू टू ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन ए इंटू ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी इंटू बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इक्वल्स टू टू ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट वन अपॉन ए टेन इनवर्स ए एक्स माइनस वन अपॉन बी टेन इनवर्स बी एक्स लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू होता है, इक्वल्स टू टू ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन ए इंटू पाई बाई टू माइनस वन अपॉन बी इंटू पाई बाई टू इक्वल्स टू टू ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई बाई टू इंटू वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, ए टू से टू कैंसिल कर दिया फिलहाल, इक्वल टू पाई ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी 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 माइनस ए बी माइनस ए अपॉन ए बी, तो ये ए से ए कैंसिल हो गया बी माइनस ए कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा पाई अपॉन बी इंटू बी प्लस ए, ये पाई अपॉन बी इंटू बी प्लस ए। एकदम ठीक, ये आ गया ना,
अब इसे इंटीग्रेट कर लिया जाए, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, या इसको ऐसे लिख लिया जाए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन डी आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी कॉन्स्टेंट और डी ए अपॉन ए प्लस बी या बी प्लस ए, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। ये इंटर में ये चीज़ आपने सीखा हुआ है, बीएससी में तो पढ़ा ही हुआ होगा खूब जम के। इंटीग्रेटिंग वी गेट आई इक्वल्स टू पाई बाई बी लॉग ऑफ ए प्लस बी प्लस सी नंबर थ्री। ये रिलेशन किसके किसके बीच में, ध्यान रखना आई और ए, तो आई और ए पर अब कंडीशन बनाइए वन से। कैसे बनाएंगे, ए की ऐसी कोई सिंपलेस्ट वैल्यू चुनिए जिसके लिए आई की सिंपलेस्ट वैल्यू आए क्लियरली फ्रॉम वन। वन क्या था एक बार फिर लिख दे रहा हूं मैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही मुझे याद आ रहा है, फिर भी मैं चेक कर ले रहा हूं। हाँ यही, तो अगर हम ए बराबर जीरो कर दें तो ये लॉग वन ऊपर आ जाएगा, लॉग वन जीरो होता है तो पूरा इंटीग्रेंट जीरो हो जाएगा, जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल जीरो होता है। आई इक्वल्स टू जीरो व्हेन ए इक्वल टू जीरो अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू थ्री। अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू थ्री वी गेट जीरो इक्वल टू पाई बाई बी लॉग ए की जगह जीरो बी प्लस सी इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू माइनस पाई बाई बी लॉग बी पुटिंग इट इन थ्री, पुटिंग इट इन थ्री वी गेट आई इक्वल टू पाई बाई बी लॉग ऑफ ए प्लस बी माइनस पाई बाई बी लॉग बी, दैट इज आई किसको माने थे इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई बी कॉमन हो गया, फिर लॉग ए माइनस लॉग ए बटा बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो लॉग ए प्लस बी अपान बी, यही लाना था मुझे ध्यान है, ठीक है भाई। अब एक नोट देखिए कि जो दूसरा पैरामीटर बी है अगर हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ें तो क्या दुर्गति होगी। इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर आप डी आई अपान डी बी लेके आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया। अब वन अपान दिस ना, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना नहीं बी के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक ना, और ऊपर हो जाएगा माइनस टू बी एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा डी एक्स। आप बताओ क्या करोगे, बात फंस गई ना, अब वहीं खड़े रहिए चुपचाप। पिछले बार क्या था, ए के रिस्पेक्ट में कर दिए थे, लॉग खत्म हो गया था, एक ऐसा फ्रैक्शन हमको मिल गया जिसको हम पार्शियल ब्रेक कर लिए, अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, या तो फिर ए के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें, तो ए के रेस्पेक्ट में हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा टू ए एक्स स्क्वायर, तो माइनस फोर ए बी तो बाहर हो जाएगा लेकिन एक्स टू दी पावर फोर ऊपर हो जाएगा, ऊपर एक्स टू दी पावर फोर हो जाएगा और नीचे भी फोर पावर है, तो पहले हमको डिवीजन करना पड़ेगा,
फिर जा करके पार्शियल फ्रैक्शन में टूट पाएगा, तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, इतना हैवी प्रॉब्लम ही हो जाएगा। तो ये भी आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनी जरूर लगाएं। अब हम अगले वीडियो में दो पैरामीटर वाला ही एक ऐसा इंटीग्रल कंसीडर करेंगे। मान लो उसमें दो पैरामीटर है, मान लो ए और बी, टू पैरामीटर्स। थोड़ी भूमिका अभी से बता दे रहे हैं। मान लीजिए ए और बी दो पैरामीटर उसमें है, तो पहले हम क्या करेंगे, डी ए डी आई अपॉन डी ए निकालेंगे, फिर इसको बी के रिस्पेक्ट में लेबनी जरूर लगा करके डी स्क्वायर आई अपॉन डी बी डी ए निकालेंगे, समझ गए। अब फिर रिवर्स गियर, अब फिर इसको इंटीग्रेट करिए, तो किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करोगे, जिसके रिस्पेक्ट में बाद में डिफरेंशिएट किया था, बी के रिस्पेक्ट में। तो यह आएगा डी आई अपॉन डी ए ना, और इसका मान आएगा उसमें कांस्टेंट सी वन भी रहेगा, फिर उस सी वन की वैल्यू आप निकालोगे, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे ए के रिस्पेक्ट में, तो आई आ जाएगा, फिर उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट सी टू होगा। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाते हैं, फिर रिवर्स गियर लगा करके फिर आई तक आते हैं। ये साइकिल इसकी बनती है, आई है डी आई अपॉन डी ए मिला, फिर ये मिला, फिर इंटीग्रेट किए ये मिला, फिर इंटीग्रेट किए ये मिला। पहली बात तो ये यात्रा कितनी खूबसूरत, कितनी रोचक यात्रा है, डिफरेंशिएट करते चले गए, फिर रिवर्स गियर लगा दिए, फिर वहीं आ गए, फिर हमको वैल्यू मिल गया। वाह रे, लाइफ निज रूल, कमाल का है लेबनिज रूल। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लेंथी होगा, आप समझ ही सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए एक वीडियो रहेगा, ये थोड़ा सा छोटा था, दोनों मिला सकते नहीं। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू।